हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे 19x31 फिट का हाउस डिज़ाइन। ये हमारा 19x30 फिट का हाउस डिज़ाइन है। 19 फिट इसकी लेंथ है और 31 फिट इसकी बर्थ है। सिंगल पोर्शन का हमारा डिज़ाइन है और इस घर में क्या है कि हमने एक दुकान बनाई है और एक हमने गाड़ी की पार्किंग बनाई है और बैक साइड पर हमने क्या है कि बेडरूम बनाया है, किचन बनाया है और एक हमने डाइनिंग एरिया बनाया है और साथ ही हमने क्या है कि बाथरूम और टॉयलेट बनाया है। सिंगल पोर्शन का हमारा हाउस डिज़ाइन है। कुछ इस तरह का हमारा फ्रंट एलिवेशन होगा। ये हमारा मेन डोर हो गया। यहाँ पर ऊपर हमने एक रोशनदान बनाया है और ये हमारी पैरापिट वॉल है। कुछ इस तरह का हमने पैरापिट वॉल का डिज़ाइन किया है। 3 फिट हाइट रखी है पैरापिट वॉल की हमने और हमने कुछ इस तरह सिंपल डिज़ाइन रखा है। ये हमारा शटर हो गया दुकान का, जिसका साइज हमने 7 फिट ऐसे रखा है, सॉरी 8 फिट ऐसे रखा है और 7 फिट ऐसे रखा है। और ये हमारा एंट्री डोर है, जिसका साइज हमने 8 फिट रखा है। अब हम देखते हैं इंटीरियर डिमेंशनिंग। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही क्या है कि हमने बैक साइड पर एक जाल बनाया है। ये हमारा जाल हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि घर में वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारा 19x31 फिट का हाउस डिज़ाइन है। सबसे पहले क्या है कि घर में एंट्री करती है हमारे पास पार्किंग आ जाती है और उसी में हमने स्टेयर बनाई है। स्टेयर हमारी कुछ इस तरह बन जाएंगी। 9 फिट 6 इंच x 13 फिट 6 इंच जगह है हमारी, जो जिसमें क्या हो गया कि हमारी कार की पार्किंग हो जाएगी। 9 फिट 6 इंच x 13 फिट 6 इंच है। और उसके बाद हमारी यहाँ पर दुकान आ जाती है, जिसका साइज हमने 8 फिट x 11 फिट रखा है। 8 फिट x 11 फिट की हमारी शॉप हो जाएगी। शॉप में हमने क्या है कि एक विंडो दी है, जिसका साइज हमने 4 फिट लेंथ रखी है और 4 फिट हाइट रखी है। जो हमने बॉल्स बनाई हैं, ये हमारी बॉल्स हैं, इनका साइज हमने जो थिकनेस ली रखी है इसकी हमने 6 इंच ली है। और उसके बाद क्या है कि ये हमारा एंट्री डोर है, इसका साइज हमने 3 फिट रखा है और यहाँ पर हमने 4 फिट x 4 फिट की एक विंडो दी है। घर में एंट्री करते ही हमारा यहाँ पर डाइनिंग एरिया आ जाता है। ये हमारा डाइनिंग एरिया है, जिसका साइज हमने 9 फिट 6 इंच x 5 फिट 6 इंच रखा है। यहाँ पर हमारा डाइनिंग एरिया बन जाएगा। डाइनिंग एरिया के बाद हमारा ओपन किचन आ जाता है। ये हमारा ओपन किचन है, जिसका साइज हमने 8 फिट x 8 फिट रखा है। किचन में हमने एक विंडो यहाँ पर दी है, जिसका साइज हमने 2 फिट x 4 फिट रखा है। और उसके बाद किचन के साथ ही हमारा यहाँ पर बेडरूम आ जाता है। बेडरूम का साइज हमने 12 फिट x 10 फिट रखा है। बेडरूम में क्या है कि आप यहाँ पर वेंटिलेशन विंडो दे सकते हैं और ये हमारा मेन डोर है, जिसका साइज 3 फिट x 7 फिट है। बेडरूम का ये हमारा डोर हो गया। बेडरूम में होकर हमारा किचन होगा, सॉरी हमारा बाथरूम और टॉयलेट होगा। ये हमने डोर रखा है यहाँ पर, जिसका साइज हमने 3 फिट रखा है। ऊपर हमने एक वेंटिलेशन विंडो दी है और जाल जो हमने बनाया था यहाँ पर बनाया है, जिसका साइज क्या था कि हमने 3 फिट x 4 फिट रखा था। 3 फिट ऐसे था और 4 फिट ऐसे। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पर हमारी जगह है, जो हमारे पास 4 फिट x 5 फिट 6 इंच है, 4 फिट ऐसे है और 5 फिट 6 इंच ऐसे। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पर हमारा बाथरूम और टॉयलेट आ जाता है। बाथरूम और टॉयलेट हमारा कंबाइंड है, जिसका साइज हमने 5 फिट 6 इंच x 5 फिट 6 इंच रखा है। यहाँ पर एक वेंटिलेशन विंडो दी है, एक डोर बनाया है। कुछ इस तरह का था हमारा 19x31 फिट का हाउस डिज़ाइन। बैक साइड पर हमने जाल दिया है और उसमें क्या होगा कि हमारा नीचे क्या होगा कि हमारी वॉशिंग मशीन वगैरह लग जाएगी। और उसके बाद हमारा बेडरूम आ जाता है। बेडरूम के साथ हमारा बाथरूम और टॉयलेट है। और उसके बाद ये हमारा किचन हो गया। किचन के साथ सामने ही हमने डाइनिंग एरिया दे दिया है और ये हमारा स्टेयर और हमारी कार की पार्किंग हो जाएगी जहाँ पर। ये हमारी दुकान है। और कुछ इस तरह का हमारा फ्रंट एलिवेशन होगा। ये था हमारा 19x31 फिट का हाउस डिज़ाइन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम हर रोज़ इस तरह की वीडियो अपलोड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।